कोई व्यक्ति से, किसी संप्रदाय से हमारा कोई विरोध नहीं। सनातन के विरोधी से हमारा विरोध है, वो किसी भी बिरादरी या समुदाय या समाज का चाहे भले ही। सब कुछ बोलता हूं, ऐसा नहीं झूठ बोल रहा है, मेहरबानी कीजिए, ये भाषा ठीक नहीं आपकी। जिसके प्रति हमारी आस्था है, लाखों लोग कहेंगे इस बात को सुनने के बाद, जिनके प्रति हमारी आस्था है उनके साथ ऐसा मजाक किया जाए, भगवान के साथ खिलवाड़ किया जाए, क्या ये सही है? और उसकी बात बोलना अगर विरोध है तो हम मरते दम तक विरोध करेंगे। आप चाहो कि मैं आपसे दब जाऊं तो होने वाला नहीं है, आप चाहो मुझे नोच लो, नहीं कर पाओगे। हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि हम किसी भी समुदाय के विरोधी नहीं हैं। पुनः हम कहते हैं, हम रहीम को मानने वाले और कबीर का सम्मान करने वाले हैं। नहीं कर पाओगे। हाँ, 2007 में जब दोबारा यूपीए बना और उन्होंने षड्यंत्र करके कोर्ट कचेरियों में सुप्रीम कोर्ट तक मुझे घसीट के, फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भारत में सामाजिक सौहार्दता बनी रही, ये हमारी मांग है, और क्या ये नाजायज? आखिर पीएम मोदी और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बीच बहस किस बात को लेकर हुई? सबसे पहले अगर आप बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पे विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिख दीजिए। दरअसल कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम स्पेशली बाबा से मिलने पहुंचे थे और दोनों एकांत में कुछ बातें कर रहे थे। शायद तभी मोदी जी ने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे बाबा जी बुरी तरह से क्रोधित हो जाते हैं। लग तो ये रहा था कि बाबा न्याय की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी जी के मुंह से कुछ अपशब्द बातें निकल जाती हैं जो कुछ देर बाद समान तो हो जाता है, लेकिन मैटर बहुत आगे तक पहुंच गया था जिससे वहां पर बैठे लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। अब बागेश्वर धाम में बड़े बड़े सेलिब्रिटी और नेताओं को भी बाबा से मिलने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। ये सब बागेश्वर धाम की महिमा है। आपका टाइम शुभ हो।